एक छोटा बच्चा होता है, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, उसका आइसक्रीम खाने का मन करता है, बैठ जाता है रेस्टोरेंट में, वेट्रेस से पूछता है संडे आइसक्रीम कितने की है। पुराना जमाना था, सस्ती होती थी आइसक्रीम, तो कहती है 50 सेंट्स की है। बच्चा जेब में से पैसे निकालता है और गिनता है, तो पूछता है कि अच्छा प्लेन आइसक्रीम कितने की है, तो वो कहती है कि 35 सेंट्स की है। वो कहता है कि अच्छा मुझे प्लेन आइसक्रीम दे दो। इतनी देर में वो वेटर्स भी चिढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि और लोग खड़े हुए थे और उसमें रेस्टोरेंट में जगह नहीं थी। वो बच्चा अपनी प्लेन आइसक्रीम खाता है और चला जाता है। जब वो चला जाता है, उसका कप उठाने के लिए वो आती है वेट्रेस, तो देखती है 15 सेंट्स, 15 सेंट्स उस बच्चे ने प्लेट के नीचे दबा के रखे हुए थे। मतलब वो संडे आइसक्रीम खा सकता था, पर उसने प्लेन आइसक्रीम खाई ताकि 15 सेंट्स बचाकर वेट्रेस को दे सके। एक छोटे बच्चे का इतना बड़ा दिल हो सकता है? क्या हमारा इतना बड़ा दिल है? क्या हमारे अंदर इतना प्रेम है कि हम अपने सुख सुविधा में से भी काट कर दूसरे को देने का भाव रखें? हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, तब दूसरे के बारे में सोचते हैं। अपनी फैमिली के बारे में तो सभी सोच लेते हैं, माँ का होता है कि पहले बच्चे खाएं, फिर जो बच्चे का मैं खा लूंगी। पर जो सबके लिए सोचे, तो गुरु हमको बड़े दिल का बनाते हैं, दातार होना सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े दिल के बनो, देना सीखो। हम तन मन धन से सबकी सेवा कर सकते हैं, बड़े दिल के हो सकते हैं। तन से जितनी हो सके उतनी सेवा करें, इससे हम स्वस्थ रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे उतना हम अपने को एक्टिव फील करेंगे और हमारा दिमाग भी बढ़िया रहेगा, एक्टिव रहेंगे। मन से सेवा करने का मतलब है सबके लिए शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव रखें। और तन से तो हर एक कोई सेवा नहीं कर सकता, अब जो शरीर थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो इतना भाग भाग के काम नहीं कर सकते, पर मन से हर एक कोई सेवा कर सकता है। हॉस्पिटल में पड़ा आदमी है, बिस्तर पे पड़ा आदमी है, वो भी मन से सेवा कर सकता है। तो हर एक के लिए शुद्ध भाव, हर एक के लिए भगवत भाव मन से हर एक कोई रख सकता है। शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध भाव सबके लिए भेजें। कलयुग में जो मानसिक सेवा करते हैं उसका भी फल मिलता है। हमने सोचा कि 1000 लोगों को हम भोजन करा रहे हैं, भक्तों को एक एक गौ दान दे रहे हैं, ब्राह्मण भक्तों को के लिए हम भंडारा कर रहे हैं, तो जो जो आपने मन में सोचा कलयुग में उसका भी फल मिलता है। आप रोज भंडारा करिए, आप रोज भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराइए, रोज गौ दान करिए, जिस चीज की जिस समय जरूरत है आप करिए, कौन रोक लेगा? मानसिक पाप का तो फल नहीं मिलता कलयुग में, पर मानसिक सत्कर्म का फल कलयुग में मिलता है। तो मन से तो सभी की सेवा कर सकते हैं। मन से ये भी सेवा है, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे। और जितना बोले स्वीटेस्ट इज गॉड्स नेम, आप जितना भगवान का नाम लेते हैं आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और चारों तरफ शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाते हैं। जितना वातावरण को और वाइब्रेशंस को भगवान का नाम शुद्ध करता है उतना और कोई नहीं करता। किसी को प्रेम देना, किसी की बात सुनना, ये भी एक प्रकार की सेवा है। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी की बात सुनने के लिए, माता पिता के पास बच्चों की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। धन से सेवा हर एक कोई नहीं कर सकता, पर अगर उसके पास धन है, अधिक धन है, तो भगवान ने उसको सबके हित के लिए दिया है। गुरु बताते हैं अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो 500 रुपये उसमें से हमारे लिए और 500 रुपये सबके लिए, तो ठीक है, हम करने को तैयार हैं। 500 रुपये अपने ऊपर खर्च करें और 500 रुपये सबके लिए खर्च करें।
प्रकृति में एक टमाटर है तो आप एक बीज बोते हैं तो उस पेड़ पे कितने टमाटर निकलते हैं और एक टमाटर में कितने बीज होते हैं। तो प्रकृति में अबंडेंस है, अनंत है। प्रकृति हमें कई गुना देती है और जो हम देते हैं प्रकृति में वो लौट के मिलता है। लाइफ इज वेरी सिंपल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। अब हमको पता है हम सबको कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो थे उन्होंने अपनी 80-90% संपत्ति दान दे दी और वॉरेन बफेट जो दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट है उन्होंने भी 90% संपत्ति अपनी दान दे दी। तो अब वो कितना उनको अनंत गुना मिलेगा और हम देने में इतने कंजूस होते हैं। तो गुरु कहते हैं बड़े दिल के बनो, कंजूस मत बनो। भगवान ने अगर हमको अधिक दिया है तो सबके लिए दिया। बड़ा दिल रखें, देने का भाव रखें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि निष्काम भाव से सबके लिए जो जीता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। अ वाइज मैन डज नॉट ले अपॉन हिज ओन ट्रेजर्स, द मोर ही गिव्स टू अदर्स द मोर ही हैज फॉर हिज ओन। होशियार आदमी जो होता है वो अपनी संपत्ति अपने पास ही नहीं रखता, वो सबको देता है, सबको देता है, तन मन धन से सेवा करता है तो उसको उतना ही प्रकृति से मिलता है लौट के। वॉट यू डू फॉर अदर्स विल बेयर फ्रूट फॉर यू। जो तुम दूसरों के लिए करोगे वो तुम्हें ही लौट कर मिलेगा, क्योंकि प्रकृति कुछ रखती नहीं है। विदाउट जेनरोसिटी एंड काइंडनेस देयर कैन बी नो ट्रू जॉय। बिना बड़े दिल के और करुणा भरे दिल के दुनिया में कोई सुख नहीं है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रा। If you like this video, please subscribe to watch more and click the like button. Click the bell icon and you will receive the notification of all the uploaded videos. Guru Bhagwan ke anant anant shukrani.